शेख, मैं ये पूछना चाह रहा था, मस्जिद के मौजन को और इमाम को मौलाना कह के बुला सकते हैं क्या शेख? अगर वो मौलाना है तो मौलाना कह के बुलाइए भाई। मौलाना हमारे यहाँ एक खास इस्तेलाह है, जो आलिम दीन होता है उसको मौलाना कहा जाता है। अब कोई आलिम दीन नहीं, आप उसको मौलाना कहोगे तो उसको लगेगा कि आपने उसको कोई गलत बात कह दी, वो खुद ही नहीं पसंद करेगा। जी तो ये कोई शरई मसला नहीं है, इसका ताल्लुक उर्फ से है। हमारे यहाँ के उर्फ में पढ़े लिखे आलिम दीन को मौलाना कहा जाता है। तो अगर कोई वैसा आदमी है तो आप उसको मौलाना कहिए। कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है या कम पढ़ा लिखा होता है, अजान देने का काम करता है तो मोजिन साहब बोलते हैं उसको, या आपके यहाँ जो भी बुलाते हो एहतराम से। बहरहाल वो नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें इज्जत और एहतराम हो। इमाम का और मोजिन का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है, बहुत बड़ा मकाम है, खास तौर से मोजिन का। ये बात मैं कई बार लोगों के सामने रिपीट कर चुका हूँ कि मोजिन का हमारे दीन के अंदर बहुत ऊंचा मकाम है। बल्कि अरशद भाई, मैं आपको ये बताऊं कि इमाम की फजीलत के सिलसिले में कोई एक हदीस या कोई एक आयत आपको नहीं मिलेगी कि इमाम की ये फजीलत है। जी इमाम इमामत हालांकि बहुत बड़ा दर्जा है, बड़ा दर्जा है और जाहिर है इमाम इमामत के लिए बहुत सारे औसाफ हैं, वो औसाफ पाए जाएं तब इमाम बनाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी खास दलील नहीं है जिसमें कहा गया हो कि इमाम की ये फजीलत है। लेकिन मुअज्जिन के लिए बाकायदा तौर से हदीस वारिद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत के दिन सबसे लंबी गर्दन मोजिनों की होगी, अपनी गर्दनों से वो पहचाने जाएंगे। अतवलहुम आनाकन, अपनी गर्दन से वो पहचाने जाएंगे कि ये जो है अजान का काम देते करते थे। तो मुअज्जिन की बहुत ज्यादा फजीलत है। इसीलिए शेख इब्न उसैमीन वगैरह ने लिखा है कि फजीलत के एतबार से मुअज्जिन का दर्जा जो है इमाम से बड़ा है, फजीलत के एतबार से, फजीलत वारिद होने के एतबार से। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आमतौर से मुअज्जिन को क्या समझा जाता है कि मस्जिद का वो चपरासी है जो है खाकरूब है, झाड़ू देने वाला है, मस्जिद की लेटरिन वगैरह साफ करेगा, उसकी इतनी ही इज्जत की जाती है। जब आप अपने मुअज्जिन की इतनी इज्जत करोगे, अपने इमाम की इतनी इज्जत करोगे, इस दुनिया वाले आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे, आपके मुस्लिम कौम की उतनी ही इज्जत होगी जैसे आप अपने इमाम और मुअज्जिन को देते हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं, मुअज्जिन का एक मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, इसलिए वो मकाम और मर्तबा और इज्जत और एहतराम मुअज्जिन को दीजिए। वो कोई चपरासी नहीं है, वो बहुत बड़े मकाम और मर्तबे वाला है। वाज़ेह, जज़ाकल्लाहु खैर।